एडवांस एडी विटामिन बेबी मसाज ऑयल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब यात्रा काल के आय की रकम का कुल आंकड़ा जोड़ लिया गया है। कोविड 19 के चलते इस बार यमुनोत्री धाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा महज डेढ़ महीने की हो सकी, जिसमें कुल 7,856 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। लगभग डेढ़ महीने के करीब ही चला है जो सीजन रहा यात्रा का, और इस बार यमुनोत्री धाम में लगभग 1.5 लाख रुपए की जो है इनकम हुई है समिति को। अब वर्तमान में तो इस समय कपाट बंद है, शीतकाल में जो पूजा अर्चना इत्यादि का कार्य है वो खसा नहीं चल रहा है। इधर काशीपुर में दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुराग शंखधर को पुलिस ने देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। साल 2011-12 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में अनियमितता मिलने पर जांच के लिए एसआईटी गठित किया गया था। पहले चरण की जांच में बाहरी राज्यों के कॉलेजेस और छात्रों से पूछताछ की गई। इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर जिले में 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ साथ इस घोटाले में 2011 से 19 तक जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत पाई गई। काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा आईटीआई में कई मुकदमे कायम हैं। इनमें से कुछ मुकदमे पीसी एक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें पूर्व समाज कल्याण अधिकारी जो यहाँ ऊधम सिंह नगर में नियुक्त थे वो वांछित चल रहे थे। कल उनको देहरादून से अरेस्ट करके लाया गया है, आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। रुड़की में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। मामला गंग नहर कोतवाली के तेलीवाल इलाके का बताया जा रहा है। पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक पत्थरों की बारिश कर रहा है। काशीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बागेश्वर से तस्करी कर लाई जा रही लाखों रुपए की कीमत की चरस के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। चरस की मात्रा 1 किलो 182 ग्राम बताई जा रही। पीसी में भी करा ले सर, गाड़ी आ रही है। कल ये काशीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में चार लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 1.25 किलो चरस मिली है। इसमें तीन लोग जनपद बागेश्वर के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति लोकल का है। अब इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इधर कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सेना में भर्ती के लिए आ रहे अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त में भोजन और आवास की व्यवस्था शुरू की गई। उत्तराखंड के 7 जिलों पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून से आ रहे भावी जवानों के लिए 2 वक्त का भोजन और रहने की व्यवस्था 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक की जाएगी। इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है और रुकने की व्यवस्था भी। इस खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।